बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आज की जो वीडियो है वो स्पेशली इंग्लिश के टेंसेस के हवाले से है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है तो टेंसेस वगैरह नहीं आते उन्हें। तो लाजमी है कि आप लोगों को 12 टेंसेस तो लाजमी आने चाहिए, क्योंकि जिस बच्चे को टेंसेस आते हैं उसको इंग्लिश भी आती है। तो इसके हवाले से 12 टेंसेस फार्मूला आप लोगों के लिए लाया गया है। सबसे पहले जो है प्रेजेंट सिंपल टेंस है, इसमें आप लोगों को पहले फॉर्म बताई जाएंगी और इसके अलावा एग्जांपल भी आप लोगों को बताई जाएंगी। सबसे पहले क्या होगा इसमें, सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, फिर क्या होगा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होगी, फिर क्या होगा ऑब्जेक्ट होगा। एग्जांपल में जैसे मैंने लिखा हुआ है, आई प्ले बास्केट बॉल एवरी डे। इसी तरह जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, इसमें सबसे पहले क्या होगा सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस आई एन जी फॉर्म, वर्ब प्लस इसके साथ आई एन जी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसकी एग्जाम्पल क्या होगी, जैसे कि मैं लिखती हूं आई एम प्लेइंग बास्केट बॉल नाउ। इसी तरह जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इसमें सबसे पहले क्या होगा सब्जेक्ट प्लस हैव और हैज प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसकी एग्जाम्पल कैसे होगी, आई हैव जस्ट प्लेड बास्केट बॉल। इसमें आप देखें कि आई क्या है सब्जेक्ट है, इस तरह हैव और हैज आ गई, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आ गई और ऑब्जेक्ट क्या है बास्केट बॉल है। इस तरह जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, इसमें सबसे पहले क्या होगा सब्जेक्ट प्लस हैव बीन और हैज बीन प्लस वर्ब आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसकी एग्जाम्पल क्या होगी, जैसे मैं लिखती हूं आई हैव बीन प्लेइंग बास्केट बॉल फॉर 3 आवर्स। इसमें क्या हो गया सब्जेक्ट आ गया, आई आ गया, हैव बीन आ गया और इसके साथ आई एन जी फॉर्म प्ले है तो आई एन जी फॉर्म लगा दी और इसके बाद क्या आ गया ऑब्जेक्ट आ गया। इसी तरह जो पास्ट सिंपल है, इसमें सबसे पहले क्या होगा सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसकी एग्जांपल क्या होगी, आई प्लेड बास्केट बॉल, जैसे मैं लिख देती हूँ यस्टरडे। इसी तरह पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, फिर क्या होगा वाज या फिर वर्ब प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मैं लिखती हूँ आई वाज प्लेइंग बास्केट बॉल दी होल इवनिंग। इसी तरह पास्ट परफेक्ट में क्या होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर क्या होगा हैड
प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होगा। जैसे मैं लिखती हूँ आई हैड प्लेट बास्केट बॉल बिफोर गोशी केम। इस तरह पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में क्या होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मैं लिखती हूँ आई हैड बीन प्लेइंग बास्केट बॉल बिफोर एमन केम। फ्यूचर सिंपल में क्या होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होगा। इसकी एग्जांपल क्या होगी, आई विल प्ले बास्केट बॉल नेक्स्ट वीक। फ्यूचर कंटिन्यूअस में क्या होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जांपल में क्या होगा, आई विल बी प्लेइंग बास्केट बॉल नेक्स्ट संडे। फिर फ्यूचर परफेक्ट, इसमें क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जांपल क्या होगी इसकी, आई विल हैव प्लेड बास्केट बॉल नेक्स्ट संडे। फ्यूचर परफेक्ट में क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसमें क्या होगा, वी विल हैव बीन प्लेइंग बास्केट बॉल नेक्स्ट संडे। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। आपने कमेंट में लाजमी बताना है कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी है। बंडल ऑफ थैंक्स।